आज मैं बनाने जा रहा हूँ नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस। बासमती चावल लिया मैंने, इसको आधा घंटा भिगा दूंगा मैं इसको। फिर पानी उगल आने के बाद फिर चावल को मैंने ऐड कर दूंगा। चावल अच्छे तरीके से पका लूँगा मैं इसको। चावल मेरा पक गया है, अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला हूँ उसमें। अब मैंने एक अंडा लूँगा उसमें। एक अंडा मैंने ऐड कर दिया ऑयल में। अब बराबर उसको मैंने भूज लेंगे कढ़ाई में। आप देख लीजिए आप कैसे आसानी से बना सकते हैं नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस। अब मैंने बॉयल चिकन लिया, बॉयल चिकन मैंने ऐड कर दिया। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने चावल ले रहा हूँ, राइस मैंने ऐड कर दिया। राइस मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। अब मैंने उसको बराबर भूजेंगे इसमें। मैंने वाइट पेपर डाल दिया उसमें, थोड़ी नमक डाले, थोड़ा अजीना ऐड कर दिया, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे इसमें। ग्रीन चिल्ली ऐड कर दिया मैंने। अब मैंने ऐड करेंगे सोया सॉस। अच्छा तरीके से पका रहा हूँ नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस इसमें। अब थोड़ा सा हरा कंदा डाल देंगे इसमें। मैंने हरा कंदा ऐड कर दिया। अब नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस आप घर में आप कैसे आसानी से बना सकते हैं आप। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो कुकिंग की अपडेट होते ही रहेगा वीडियो ऐसा। बराबर पका रहा हूँ इसको मैंने। कितना अच्छा तरीके से पका दिया मैंने इसको। अब मेरा बन गया चिकन फ्राइड राइस। अब मैंने एक प्लेट में इसको डालेंगे। देखिए मेरा बन गया नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस। मेरा बन गया, इसे आप भी बना सकते हैं।